स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल टुडर डर डे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड सरकार मनरेगा बहाली के बारे में, जो कि अभी अभी ये नोटिस निकाली गई है। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको एक एक करके और सारी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे। पहला बात करें तो पोस्ट डिटेल्स, सैलरी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ऑल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, जो कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। तो ऑल कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल होंगे इस अप्लाई करने के लिए। सारी चीज़ें बताते हैं एक एक करके। तो चलिए इसकी नोटिफिकेशन दिखाते हैं और सारी जानकारी देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इसका नोटिफिकेशन है। झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से ये आपका निकाली गई है, जो कि झारखंड मनरेगा, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दी गई है झारखंड रांची से संविदा आधारित, यहाँ पे निम्नलिखित पदों पे यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, तो 30/9/2022 तक अप्लाई करने की है। सारी चीज़ें बताएंगे आपको एक एक करके। पहला अगर बात करें तो ये आपका विशेष कार्य पदाधिकारी, जो कि ये अवर सचिव स्तर के पदाधिकारी का पोस्ट निकाली गई है। तीन पोस्ट पे निकाला गया है, अनारक्षित के लिए एक पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे दो पोस्ट निकाली गई है। नेक्स्ट बात करें तो कार्यपालिक अभियंता का निकाला गया है, जिसमें से अनारक्षित के लिए एक पोस्ट है। तीसरा अगर पोस्ट की बात करें तो राज्य MIS नोडल पदाधिकारी का निकाला गया है, जिसमें से पोस्ट यहाँ पे देख पा रहे एक है, जो कि अनारक्षित के लिए निकाली गई है। चौथा पोस्ट की अगर बात करें तो वरीय लेखा पदाधिकारी का है, जो कि अनारक्षित के लिए एक पोस्ट निकाली गई है। पांचवा अगर बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, वरीय अकंक्षक पदाधिकारी का है, जिसमें से एक पोस्ट पर निकाली गई है। छठा अगर बात करें तो सहायक वन संरक्षण का पोस्ट निकाला गया है, जो कि एक पोस्ट पे है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि क्या अप्लाई करने की प्रोसेस है इसके बारे में। पहला अगर बात करें तो विभाग द्वारा ऑफलाइन जो है आवेदन यहाँ पे करनी है, जिसमें से विशिष्ट जानकारी के लिए आपको यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण ऑफलाइन आवेदन के लिए इस वेबसाइट के थ्रू आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन ऑफलाइन करनी है 30/9/2022 6 बजे तक आपको मनरेगा में यहाँ पे दी गई है कि इसकी कहाँ पे आपको अप्लाई करनी है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। पहला अगर बात करें तो ग्रामीण विकास विभाग प्रथम तल्ला, जो कि FFP भवन ध्रुवा, ये आपका रांची, आपको ये जो है स्पीड पोस्ट या निबंधिक डाक द्वारा या हाथों हाथ भी ये एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी हर एक पोस्ट की, इसके बारे में भी हम आपको यहाँ पे जानकारी देंगे। पहला अगर बात करें तो ये जो है आपका यहाँ पे पोस्ट पे निकाला गया है विशेष कार्य पदाधिकारी का, इसमें राज्य प्रशासनिक सेवा, जो कि ये आपका पहला देख सकते हैं कि झारखंड राज्य सरकार से सेवानिवृत्त जो पदाधिकारी के लिए ये आपका यहाँ पे दी गई है, जिसमें से राज्य जो प्रशासनिक सेवा सहायक संयुक्त संवर्ग से ये आपका यहाँ पे अवर सचिव स्तर की सेवानिवृत्त पदाधिकारी का, जिसमें से राज्य सरकार में कार्य करने का अनुभव जो है आपका यहाँ पे 3 वर्ष का न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो देख पा रहे हैं किसी भी संकाय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, पहला अगर बात करें तो। दूसरा अगर बात करें तो ये आपका AE का पोस्ट है, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर का, जो कि कार्यपालक अभियंता है। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो इसकी वेतन जो है देख पा रहे हैं कि 15,600 लेके 39,100 तक होगी, ग्रेड पे भी दी गई है 6,600 रुपया। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो कार्यपालक अभियंता स्तर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी, जिन्हें राज्य सरकार में कार्य विशेषकर विशेष यहाँ पे विभिन्न ग्रामीण विकास के कार्यक्रम में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होनी चाहिए। इसकी अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता, तो AICT से मान्यता प्राप्त संस्था से 60% जो है MTech सिविल में यहाँ पे उत्तीर्ण होना अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 वर्ष की कार्य अनुभव भी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं तीसरा की, MIS जो कि नोडल पदाधिकारी की है, इसमें भी आपका यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर साइंस से आपका BTech आपका पास होनी चाहिए, जिसमें से 2 वर्ष का कार्य अनुभव होनी चाहिए, या तो AICT से मान्यता प्राप्त अभियंता से कंप्यूटर ऑपरेटर में जो कंप्यूटर साइंस से MTech की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या सरकारी मान्यता स्तर से आपका यहाँ पे MCA का जो है 3 वर्ष का कार्य अनुभव भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे डिग्री मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद चौथा अगर बात करें तो वरीय लेखा पदाधिकारी का है, जिसमें से आपका वेतन भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ICWA या CA से उत्तीर्ण होना अनिवार्य रखा गया है, 2 वर्ष की कार्य अनुभव भी रखी गई है। अगर पाँचवा की अगर बात करें तो ये भी आपका सेम रखा गया है, ICWA जो कि CA उत्तीर्ण होना ये आपका रखी गई है। ठीक है,
और छठा अगर बात करें तो इसमें देख पा रहे हैं कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% में फॉरेस्ट्री से यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसके साथ 3 वर्ष का सरकारी या गैर सरकारी संस्था से आपका अनुभव होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बात करें आयु सीमा की तो ये आपका आयु सीमा 1/8/2022 से गणना की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सारी प्रक्रिया दे दी गई है कि किस प्रकार से यहाँ पे सिलेक्शन की जाएगी आपकी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। ये आपका फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, इसे फुलफिल करने के बाद आपको स्पीड पोस्ट कर देनी है, जो कि हम आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। ठीक है, आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही था। इस तरह का रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मनरेगा से जितनी भी रिलेटेड आपका यहाँ पर वैकेंसी आती है इस चैनल के माध्यम से आपको पहुँचाया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।